आधार शिविर कटरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर देवीपीढ़ी मार्ग के समीप बलकडिया गांव के जंगल से 28 मार्च को संदिग्ध परिस्थितियों में तालिब हुसैन के शव मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। तालिब की प्रेम प्रसंग के कारण हत्या की गई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। प्रेस वार्ता करते हुए एएसपी सुमीर कोतवाल तथा थाना प्रभारी अरविंद संभायल ने बताया कि उन्हें नवरात्रि को जंगल में एक शव होने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर हत्या की जांच शुरू कर दी थी। तो वही पूछताछ के दौरान मिले पुख्ता सबूतों के आधार पर तीन लोगों को हिरासत में लिया गया। आरोपी ने बताया कि काफी समय से तालिब उसकी बेटी को परेशान कर रहा था, इसके चलते पूरी तैयारी से उसे घर बुलाकर उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने नेक मोहम्मद के साथ साथ उसकी पत्नी गुलजार बीबी बेटा रहमत अली को भी गिरफ्तार कर लिया। सरवाटी में जो डेड बॉडी बरामद हुई थी आपको फर्स्ट नवरात्रि के दिन, उसके ऊपर थोड़ी जानकारी लीजिए, कितने लोग थे इसको मारने में? देखिए, हमें 28 मार्च को पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सहपाठिया के पास जंगल में एक तालिब हुसैन जो कि चंपा का रहने वाला था, उसकी एक डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है। इसके ये पता चलते ही हमारी जो इन्वेस्टिगेशन इस केस में, मर्डर केस में स्टार्ट हो गई थी। हालांकि ये एक ब्लाइंड मर्डर था और इसमें स्टार्टिंग में हमारे पास कोई क्लू नहीं था। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है हमारे SHO श्री इंस्पेक्टर अरविंद सम्याल ने की थी। उसके बाद इन्होंने थोड़े ही दिनों में बहुत जल्दी इस केस पर काम करके कुछ क्लूज हमें मिले और उसके तहत हमने इसमें तीन लोगों को अरेस्ट किया है, जिनका नाम है नेक मोहम्मद अलियास निक्कू, ये रेजिडेंट उनका उसका बेटा रहमत अली और इसकी नेक मोहम्मद की वाइफ गुलजार बीबी, ये तीनों बड़कली के रहने वाले हैं और इन तीनों ने मिलके इसका मर्डर अपने घर के पास ही किया था। क्या जो मिल सके कि किस कारण ये मर्डर हुआ है? इनकी आपस में कोई रंजिश थी। बेसिकली इसके जो तालिब हुसैन था, जो डिसीज था, उसका इसकी नेक मोहम्मद की बेटी के साथ कोई रिलेशनशिप था और ये जो चीज़ थी ये इनको नागवारा थी, जो इसके नेक मोहम्मद इसको इसी बात पे लेके इनको रंजिश थी और उन्होंने सोच समझ के इस पर घर पे बुलाया और फिर इसका मर्डर किया। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके हिसाब से ये तीनों ही हैं जिन्होंने इसका मर्डर किया था और इनको हमने कल इनको अरेस्ट किया। सर, जिसका मर्डर हुआ है उस मर्डरिस्ट के ऊपर पहले कोई FIR या कुछ पुलिस के द्वारा कुछ लगा हो, पर्चा वगैरह कोई मर्डरिस्ट के ऊपर? नहीं, कोई सीरियस पर्चा तो नहीं है। कुछ इसमें कोई है वो इस पे देख मुझे हलवाई झगड़े के हैं, लेकिन कोई ऐसा कोई वो नहीं।